तो भाई एक और दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज तारीख है 4 दिसंबर 2022 और जैसा कि आप देख रहे हो भाई, बैग वैग पैक करके रख दिया है, थोड़ा बिखरा हुआ है, बस चेकआउट करने का ही टाइम है अभी। सो टैक्सी ले रहे हैं यहाँ से रिजॉर्ट से लेके बस स्टेशन तक। यहाँ से 80 बाट में टैक्सी मिलती है, इनकी एक साइड कार वाली स्कूटर है, उसके अंदर छोड़ के आते हैं। तो रूम दिखा देता हूँ आपको, ये वाला थोड़ा सा बड़ा रूम था, इधर कपड़े भी लटकाने की जगह थी, बाथरूम था, इतना कोई खास नहीं था, बहुत अनकंफर्टेबल था। ये फैन के अंदर भी इधर जाली नहीं लगी है, पर ठीक है, एक पे पंखा चालू था और रात भर बढ़िया नींद आई। और एक ये छोटी सी लाइट ही रखते हैं ये लोग यहाँ पे, यार लाइट ज़्यादा रखनी चाहिए। और इधर सामने बाहर बैठने की जगह बढ़िया है, इधर बढ़िया बल्ब लगा हुआ है, रात में हम लोग वहीं पे बैठे थे। और उधर वो छोटा वाला टेंट आपको दिख रहा होगा, तो और बाकी सब बड़े बड़े अलग अलग रूम हैं। सामने वाला अलग कॉस्ट है, ये वाला अलग है, हमारा वाला था 300 बाट। तो ये है भाई वो साइड कार वाली टैक्सी, मतलब स्कूटर। अब यहाँ पर बैठना है, मोटर बाइक ऑलरेडी भी गिव बैक। बैठो बैठो, ऐसा है भाई कुछ हिसाब किताब। पूरा पूरा जुगाड़ू मामला है ये, साइड कार जोड़ दी है इन्होंने, देखो यहाँ से वेल्डिंग करके। खुद दे ना हमला का। ओके कैन यू पे मी नाउ बिकॉज़ आई डोंट हैव मशीन इन द बस स्टेशन। ये था भाई हमारा रिजॉर्ट, फाइव फॉरेस्ट रिजॉर्ट, पूरा का पूरा व्यू आपको दिखा रहा हूँ साइड कार में बैठ के। चाबी दे दी है वापस। और ये पहले वाला रूम हमारा यहाँ पे था एकदम आगे, 25 नंबर। ये वो जगह है जहाँ पे आप सुबह आके कॉफ़ी ले सकते हो, पानी भर सकते हो पूरे टाइम फ्री में। और इस साइड में इनका रेस्टोरेंट भी है, अभी तो बंद है यार रेस्टोरेंट, कुछ ले नहीं पाए हम लोग। और ये सीधा मेन रोड के ऊपर ही है, वो जो हमने बताया था कि यार उसको बताना भूल गए ड्राइवर को, थोड़ा सा आगे निकल गए फिर उसने रोका नहीं था। ऐसे उठाना पड़ता है यार बैग, बहुत भारी है अभी तो, ऐसे लग रहा है कुछ कपड़े कम कर दूं। बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय। ये थे भाई हमारे होटल के अंदर मैनेजर या फिर जो भी बोल लो। और ये है यहाँ का बस स्टेशन, भाई बस स्टेशन, इसी टाइप की बस में हम जाएंगे अभी। शो द टिकट फटाफट। ओह क्या कर दिया भाई टिकट को। पराग ना पराग पर आ गया। लेट्स सी विच बस, मे बी दिस वन। ओह या इट्स ऑलरेडी टाइम। व्हिच वन इज इट? It doesn't even say which one it is. So we should ask someone. Maybe this person, the driver. पता नहीं कौन सी टैक्सी है भाई, यहाँ पे बहुत सारी मिनी वैन है अभी तो। और लकीली हमने टिकट कर लिया है पहले ही,
पूछ के आते हैं कि कौन सी वाली में हम लोग जाएंगे। और जाए। ये भाई सही भागा दौड़ी करके सब पूछ लेता है और बोलता है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। पूछ रहे हैं कब आएगी हमारी बस। क्या बात है, पार्सल लेके गए अंकल। बैग लेके चलना बहुत भारी पड़ रहा है यार। Which one? 91, क्या बात है, सामने ही बस खड़ी है, हम पूछ रहे हैं सबसे। तो सारी पब्लिक है यहाँ पर, सबके पास बड़े बड़े बैग है, अब पता नहीं कैसे रखेंगे ये लोग। इस टाइप की मिनी वैन चलती है यहाँ पे। सारे के सारे बैग ऊपर चढ़ा दिए हैं भाई। सबसे बड़ा बैग लोइस का ही है, बाकी सबके पास बैग पैक है। ये आगे की तरफ मेरा बैग रखा है। अब सीट देखनी है कौन सी हमारी, याद नहीं मेरे को। सो हाउ हैवी इज योर बैग? 40 किलोग्राम्स। नॉट 40, 20 किलो भाई। मेरा 10-11 किलो है और इसका है 20 किलो का बैग। हमको लगा था आगे वाली सीट मिलेगी लेकिन पीछे वाली सीट मिल गई यार। बस के अंदर तो एसी है लेकिन अभी इतना धूप में से होके आए, थोड़ी देर बाहर खड़े रहे तो बिल्कुल पसीना पसीना हो गया। और अब 4 घंटे 3.5 या 4 घंटे ऐसा कुछ लगता है हालत ख़राब होने वाली है भाई। फिर उसके बाद भी रात तक हमारा ट्रैवल ही है। 5:30 बजे की बस है फिर से। ये टाइम पे पहुंच जाए तो अच्छा है, वरना फिर लेट हो जाएंगे, बस छूट जाएगी, फिर एक दिन रुकना पड़ जाएगा चंडीगढ़ में। अच्छी रहती है ये वाली मिनी वैन, मतलब ये जो पहाड़ी रास्ते हैं उसके हिसाब से बहुत बढ़िया है। बड़ी वाली बस तो यहाँ पर चल ही नहीं सकती, बहुत भयंकर स्लोप वाले रास्ते हैं यहाँ पर। काफ़ी देर चलने के बाद हमारी बस अभी आ गई है ये स्टॉप के ऊपर। बस यहाँ पे सब लोग टॉयलेट जाएंगे, थोड़ा बहुत कुछ खाना हो तो खा लो, 10-15 मिनट का ब्रेक रहता है ये। मैं तो सो गया था यार, बस में बैठते से नींद लग गई थी। थोड़ा सा ही अभी फुटेज लिया बाहर का, और साइड वाली सीट मिली है तो यार फुटेज में भी उतना मज़ा नहीं आ रहा, फ्रंट सीट पर से बहुत मज़ा आता। बस अच्छी है लेकिन, और सामान बहुत सारा था ऊपर, इन्होंने पूरा प्लास्टिक चढ़ा के बांध दिया है। और अब हम पहुंच चुके हैं चंग माई में, बहुत जल्दी पहुंचा दिया है इन्होंने तो, 4:15 बजे अभी। और ये बैग वैग उतारना स्टार्ट हो गए हैं, हमारा भी बैग आता ही होगा, बैग उतारा यार सबसे पहले। मैं तो सो गया था यार वापस से, आज सुबह इतनी जल्दी नींद खुल गई थी, फिर बहुत नींद आ रही थी। और ये आ गए हम लोग के बैग नीचे, बहुत भारी बैग है भाई इसका तो, एकदम से उसने तो फेंक ही दिया बैग, छूट गया मतलब बैग उनके हाथ से, 20 किलो का बैग। और भाई पाई के लिए टिकट वैसे तो यहाँ से मिलती है, हम लोग ले नहीं पाए थे, हम लोग फिर वैन से हायर करके चले गए थे। सो व्हाट आर वी डूइंग नाउ? 7-Eleven। वही 7-Eleven से हमने लिया है ये कॉफ़ी एज यूजुअल। और यहाँ का इस बार मैंने ट्राई किया है भाई मैक्रोनी विद चिकन, और ये भाई खा रहे हैं ऑमलेट विद चिकन, नो ऑमलेट विद राइस, सॉरी। इट हैज अ ग्रीन अनियन एंड अ रेड टोमेटो एंड व्हाट एल्स डिड यू हैव? चिकन कोरी विद राइस। चिकन करी, करी, चिकन करी विद राइस। तो ये अच्छा है, 7-Eleven बिल्कुल इसके पास में ही है बस स्टॉप के, तो कभी भी आपको बस जल्दी बुक कर ली है तो यहाँ पर आके टाइम पास कर सकते हो।
या फिर यहाँ से बाइक भी रेंट करके और आसपास में घूम के आ सकते हो। 7-Eleven में खाना वाना हो गया है भाई, कोई मैक्रोनी वाला जो छोटा सा लिया था मैंने। थोड़ी देर यहाँ पर बैठे थे, आधा एक घंटा हो गया है। अब हमारा बस टर्मिनल दूसरा वाला है तो उधर तक चल के जाना है। मतलब है एक ही जगह पे, लेकिन रोड के इस तरफ एक टर्मिनल है और उस तरफ एक टर्मिनल है, तो क्रॉस करके उस तरफ जाना पड़ेगा। ऐसा ही मेरे साथ वहाँ पे भी हुआ था, शायद बैंकॉक में, आई थिंक बैंकॉक में ही हुआ था, तो उस तरफ जाना पड़ा था मेरे को। पर बस टर्मिनल वगैरह बड़े बहुत हैं इनके। देखो अब ये कार आ रही है, बस खड़ी है, तो उधर आपको स्केल का अंदाज़ा हो रहा होगा कितना बड़ा है। दूसरे टर्मिनल तक चल के आ गए हैं, बिल्कुल पास में ही था। और ये एक बस खड़ी हुई दिखी है, यहाँ पे लिखा है 1745, मतलब 5:45 को जाएगी ये वाली बस चंगराई, चंगमाई से चंगराई। तो ये पूछ रहे हैं अभी कि भाई दिस बस, यही वाली बस है भाई, वन ऑफ द फर्स्ट पैसेंजर है हम लोग। ओनली टू टू बस इनसाइड, टैग पे वही टैग लग जाएगा भाई फिर से। देखो भाई ऐसे टैग लगा देते हैं बैग के ऊपर, हमेशा बता रहा हूँ मैं, हमारे दो बड़े बड़े बैग अंदर जाने के लिए रेडी है और हम भी अंदर जाने के लिए रेडी है अभी। ये वाला भी बस टर्मिनल है तो वैसा ही, बस रोड के इस तरफ है और इधर आसपास में एक होटल भी है। वैसे तो होटल दो चार है यहाँ पे, लेकिन ये डायमंड ग्रैंड कुछ बड़ा होटल दिख रहा है। और फिर इनका बस स्टेशन, ये वाली बस बोलते हैं कि भाई ये VIP है, अब देखते हैं क्या VIP है इस वाली बस में। थ्री भी बिल्कुल आगे वाली बस है, आगे वाली सीट है, मतलब तीसरे नंबर की सीट। और बस तो बहुत ही बढ़िया दिख रही है भाई यहाँ पे। अब लेग स्पेस देखो भाई कितना है ये वाली बस में, सीट भी बहुत बढ़िया है, साथ में स्नैक्स रखे हुए हैं और पूरी रिक्लाइनर वाली सीट है। पहले वाली जो बस में आ रहे थे वो तो बहुत बेकार थी, बेकार मतलब कंफर्टेबल नहीं थी, पैर बिल्कुल चिपके हुए थे, छोटी वाली मिनी वैन थी वो तो। ये वाली में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, पैसे में भी डिफरेंस है। हाउ मच इट विल पे फॉर दिस वन? अराउंड 380 baht पर पर्सन। बट देयर इज डबल द लेग रूम। या लेग रूम बहुत ज़्यादा है, बस भी बहुत बढ़िया है और कम लोग जाएंगे और मेरे ख्याल से टाइम पे पहुंचाएगी। VIP बस है, होपफुली टाइम पे पहुंचाए। तो भाई फाइनली पहुंच गए हैं चंगराई के बस स्टेशन पे, और अभी थोड़ी घाई करनी पड़ रही है क्योंकि यार हमको खाना जाना है और यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह सब बंद हो रहे हैं। तो ये भाई बोल रहे हैं कि चलो अभी KFC चलते हैं, वहाँ पे पेट भर के खाना हो जाएगा। तो अभी जाएंगे हम लोग KFC की तरफ। टैक्सी बुक कर दी हमने ग्रैब, यहाँ पे बोल्ट और ग्रैब दोनों चेक किया था, तो एक इसमें मेरे ख्याल से बोल्ट के अंदर बहुत महंगा आ रहा था, जनरली ऐसा होता नहीं है, बोल्ट बड़ा सस्ता रहता है। कोई बात नहीं, ग्रैब टैक्सी अब जब भी आ जाएगी फटाफट तब निकलते हैं। अंधेरा हो गया यार उस तरफ तो पूरा, थोड़ा सा इधर आके लाइट में बना रहा हूँ वीडियो। चलो यार जल्दी आ जाए, क्योंकि लोकेशन बता दी थी एकदम यहीं पे। हैव यू टेलिंग हिम दैट वी आर इन फ्रंट ऑफ द 7-Eleven। 7-Eleven
और देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे चंगराई के बस स्टेशन के ऊपर कितना बढ़िया रथ रखा हुआ है। अभी पूरा डेकोरेशन वगैरह भी किया हुआ है इन लोगों ने, और इस तरफ में रथ कितना बढ़िया रखा हुआ है। बहुत लफड़े हैं यार टैक्सी के। यहाँ पे टैक्सी वाला एक बुक किया था तो वो हमारे सामने से निकल गया एकदम फास्ट। गाड़ी नंबर हमने देख लिया था, उसके पीछे पीछे गए लेकिन रोका ही नहीं उसने। उस साइड भी घूम के गया वो, मैं उस साइड गया भगते भगते, फिर भी नहीं रोका। तो फिर अभी वापस से बुक करी, अभी नई दूसरी कार आएगी। ऐसा ही ओला में भी होता है ना बहुत बार, ड्राइवर खुद ही कैंसिल कर देता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हुई है, ड्राइवर ने कैंसिल कर दिया। अब पता नहीं कहाँ है, कहाँ लोकेशन दिखा रहा है। और ये फाइनली आ गई है भाई हमारी कार। अभी सामान रखना पड़ेगा बहुत जल्दी जल्दी। और तो भाई तीन दिन केएफसी पर हम लोग घूम के आ गए, लेकिन सारे के सारे बंद हो चुके हैं यहाँ पे। पता नहीं क्या शहर है यार ये, 9:30 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। मतलब वहाँ तो लिखा हुआ था 8:30 बजे बंद हो जाता है, और एक जगह लिखा था 8:00 बजे बंद हो जाता है। तो KFC मतलब इतने जल्दी बंद हो गया सब कुछ। और पूरे शहर में भाई बिल्कुल सन्नाटा है, एक भी दुकान खुली हुई नहीं दिख रही। सिर्फ ये जो मैं सामने खड़ा हूँ 7-Eleven खुला है, और आगे वो नाइट मार्केट लगा है जो भी इनका, वो खुला हुआ है। वरना सब जगह बिल्कुल चाक अंधेरा। पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग, और कौन से गाँव जैसे जी रहे हैं शहर के लोग। मतलब पता नहीं क्या टाइम टेबल या कौन सा टाइम जोन फॉलो करते हैं यार। 8:00 बजे पहुँचे, 9:00 बजे पहुँचे, और ऐसा लग रहा है कि मिडनाइट में पहुंचे हम लोग। ओके वेट गिव इट टू मी। हां हां ओके। तो या इनके बैग के ऊपर मेरा बैग रहता है, और साथ में फिर ये बैग अपना रखा लेता है। तो तीन तीन बैग संभालते हैं भाई। व्हाट नेक्स्ट, लेट्स गेट अ पिक्चर एंड देन बुक अ बोल्ट और ग्रैब टू द गेस्ट हाउस। इंग्लिश एंड थाई बोथ। फाइनली बहुत मगजमारी करने के बाद पहुंच चुके हैं होटल के रूम में, चेक इन कर दिया है, और यहाँ पे भी कार्ड नहीं चल रहा है यार, कैश देना पड़ा इनको। खैर ये है हमारा रूम, अभी साफ सुथरा है, जब तक दिखा देता हूँ। इस बार थोड़ा अच्छा रूम मिला है हमको, इट्स मच बेटर देन लास्ट टाइम। इस टाइप का कुछ रूम है, वो आगे वॉशरूम है, और ये बेड है, टॉयलेट पेपर भी दे दिया इन्होंने, सॉकेट है यहाँ पे, देयर इज ऑल्सो सॉकेट, पावर सॉकेट बहुत है। इधर भी एक है, पंखा भी है, क्या बात है, ऊपर पंखा लगा है इस बार, नाइस। और ये है इसका वॉशरूम, बिल्कुल भी अंधेरा है यहाँ तो, अरे नो लाइट, क्या बात है, ट्यूबलाइट लगी है अंदर। तो ठीक ठाक वॉशरूम है, और बढ़िया रूम है, यही बोल सकता हूँ अभी तो मैं।